गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, हमने अभी तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर चुके हैं हम चैप्टर 8 से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस थे। तो आज ये हमारा लास्ट सेशन है चैप्टर 8 का, जिसमें हमने सिर्फ दो ही क्वेश्चन लिए हैं और दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट थीटा अपॉन वन माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस टेंजेंट थीटा। तो सबसे पहले देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है। आपको प्रूफ करना है वन प्लस सीकेंट थीटा और साथ में हमारे पास है कोसिकेंट थीटा, यानी कि आपको सीकेंट चाहिए और कोसिकेंट चाहिए। अब सीकेंट और कोसिकेंट कब आएगा? सीकेंट आपके पास तब आएगा जब आप वन बाय कोस लिखेंगे, और कोसिकेंट कब आएगा? जब आपके पास वन बाय साइन में वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को, कोट को और टेन को, दोनों को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले टेन को ओपन करते हैं, हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए, हर चीज़ को छोटे छोटे को ध्यान से समझना है आपने। इस टेन को मैंने ओपन किया साइन बाई कोस, और इसके अपॉन में है वन माइनस, कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस। ठीक है, देखो इस टेन को मैंने ओपन किया साइन बाय कोस में, और वन कोट को ओपन किया कोस बाय साइन में, प्लस कोट का फॉर्मूला क्या होता है कोस बाय साइन अपॉन, यहाँ पे हम साइन टेन का लगा देंगे, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स काफ़ी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको हर चीज़ को ध्यान से समझना है। इस टेन को मैंने ओपन किया ये, और ये वन एस टी, इस कोट को ओपन किया ये, इस कोट को ओपन किया ये, वन माइनस टेन को ओपन किया साइन बाई कोस। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वालों को एस टी रखते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखो ये चीज़ एज इट इज़ वन, हमने यहाँ पे एलसीएम लिया साइन थीटा एलसीएम, तो साइन की मल्टीप्लाई वन से करेंगे, साइन थीटा माइनस और कोस थीटा एज इट इज़, बीच में लगाएंगे हम प्लस का निशान, ऊपर हमारे पास वैल्यूज एज इट इज़ आएंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके अपॉन में हमारे पास यहाँ पर भी एलसीएम आएगा, एलसीएम ले लेते हैं हम कोस थीटा, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपने दो स्टेप कंप्लीट कर लिए। पहले स्टेप में हमने किया है साइन और कोस की वैल्यू में चेंज, टेन और कोट को। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे एलसीएम लिया। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे आपने छोटी छोटी चीज़ें सीख ही रखी हैं, जैसे थ्री बाय फोर अपॉन फाइव बाय सिक्स होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है। ठीक है, तो ये दोबारा हमें समझाने की जरूरत ना पड़े। तो ये साइन ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन, ये तो साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, नीचे बचेगा हमारे पास कोस थीटा, और इसके साथ ब्रैकेट में हमारे पास आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, बीच में हमारे पास है प्लस का निशान, ये कोस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन, यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से। तो अब देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए ऊपर है साइन स्क्वेयर थीटा और इधर है कोस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है कोस थीटा साइन माइनस कोस, और यहाँ पे है साइन कोस माइनस साइन। देखिए ये जो दोनों वैल्यूज हैं साइन कोस और कोस साइन, ये दोनों वैल्यूज आपके पास क्या हैं, लगभग सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वो है साइन का डिफरेंस। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोस जो है वो माइनस का है, यहाँ पे कोस प्लस का है, यहाँ पे साइन प्लस का है, यहाँ पे साइन माइनस का है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है,
माइनस कॉमन लेंगे तो साइन तो प्लस को हो जाएगा, क्योंकि जब हम वैल्यू कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, साइन तो प्लस को हो जाएगा, कोस हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो माइनस बाहर आएगा उसको हम प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा हमारे पास साइन थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक बार आप दोबारा से फिर समझिए। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन इसलिए लिया हमने क्योंकि ये बनाना था हमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा, वहाँ पे साइन अलग अलग है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जो है वो यहाँ आएगा बाहर, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इसके बाद माइनस जब हमने कॉमन लिया तो अंदर वाली ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे। ठीक है, ये आपको पता ही है, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर वाली जो ब्रैकेट होती है उसके साइन हम चेंज करते हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज होएंगे, साइन प्लस को जाएगा, कोस हुआ माइनस को जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों का इकट्ठे एलसीएम लेते हैं, इकट्ठे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कोस थीटा और साथ में आएगा साइन थीटा, और इन दोनों में से एक वैल्यू लिख लो कोई भी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कंप्लीट एलसीएम ले लिया। अब इसके बाद ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा साइन, इस साइन की मल्टीप्लाई ऊपर करो तो हमारे पास आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे साइन से कट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस, कोस की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो बचेगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत आसान है, फर्स्ट टाइम में हमने ये किया, सेकेंड स्टेप में किया, थर्ड स्टेप में किया, फोर्थ स्टेप में किया, फिफ्थ स्टेप में किया, अभी हमारे पास पाँचवा स्टेप चल रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपने स्टेप वाइज ही करना है, इसमें कोई भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी जल्दबाजी करी तो क्वेश्चन जो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, यहाँ से कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे ऊपर देखो आपके पास लिखा है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और साथ में ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़े बहुत फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। चलो यहाँ पे लगाते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमने फॉर्मूला लगाया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साथ में ए माइनस बी। अब हम नीचे वैल्यू लिख लेते हैं सेम टू सेम, कोस थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, क्लियर यहाँ तक, ये हो गया हमारा सिक्स स्टेप। अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, वन, वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर है, चलो अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक स्टेप रहता है, तो उस स्टेप को मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो हमें चाहिए वन प्लस में सीकेंट और कोसेकेंट, तो हम क्या करते हैं एक बार इसको उसके नीचे लिखते हैं और एक बार उसके नीचे, तो हमारे पास आ जाएगा वन बाय कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, एक बार इसके नीचे लिखा इसको और एक बार इसके नीचे लिखा इसको, जब इसके नीचे लिखेंगे तो ये आएगा और इसके नीचे लिखेंगे तो ये आएगा, यहाँ से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वन बाय कोस थीटा साइन थीटा प्लस वन। अब इसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, देखो वन बाय कोस एक बार इसके नीचे लिखेंगे इसको और एक बार इसके नीचे लिखेंगे वन बाय साइन थीटा साथ में प्लस वन। अब वन बाय कोस क्या होता है हमारे पास, सीकेंट थीटा, वन बाय साइन क्या होता है कोसिकेंट थीटा और साथ में प्लस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइन। ठीक है, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास यही है, वन प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, कोई बात नहीं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं आप, सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा प्लस वन। ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए दोनों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन था, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप प्लीज़ एक दो बार जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, कॉपी पे लिख लिख के देखिए एक बार, कौन सा स्टेप लगेगा, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चलो
तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं वन प्लस सीकेंट थीटा सीकेंट ए, और साथ में हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कोस ए। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वन प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, ठीक है। देखिए हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए साइन स्क्वायर और साथ में कोस, तो हमें कोस में तो चेंज करनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि सीकेंट का फॉर्मूला होता है कोस में होता है। तो इसको ओपन करो, वन प्लस वन बाय कोस ए, और नीचे भी हम ओपन कर लेते हैं वन बाय कोस ए, ठीक है। ऊपर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कोस ए, और इधर हमारे पास बचेगा कोस ए प्लस वन, नीचे बचेगा वन बाय कोस ए, ठीक है। यहाँ पे कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वन प्लस कोस ए, ठीक है। पर हमें तो प्रूफ कुछ और करना था स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। कोई बात नहीं, आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कोस ए। इसके बाद क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में वन माइनस कोस ए, ठीक है। चलो अब इसके बाद साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लिख लिया वन माइनस कोस स्क्वायर ए, अब इसको ओपन कर लेते हैं, वन का भी स्क्वायर कर लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी, और साथ में आ जाएगा ए प्लस बी, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा वन माइनस कोस ए, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वन प्लस कोस ए, ठीक है, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। ये जो एक्सरसाइज है 8.4, इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं वो एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में मिले, हो सकता है आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, बट आपको जो मेन चीज़ है वो प्रैक्टिस ही नंबर दिलवा सकती है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट कभी भी चेंज हो सकती है। यहाँ पे टेन की जगह सीकेंट भी लिखा सकता है, ठीक है, और कोट भी लिखा सकता है, टेन की जगह कोट, कोट की जगह टेन भी लिखा सकता है, ठीक है। सेम यहाँ भी सीकेंट की जगह कोसेकेंट लिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्वेश्चन को उसके स्टेटमेंट के हिसाब से करना है, ठीक है, ना कि आपने रट्टा मारना है, क्लियर है ना स्टूडेंट्स। रट्टा आपने बिल्कुल भी नहीं मारना, लॉजिक को आपने समझना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझ के करना है, फिर जैसे ही आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हमने लगाए, और सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था वो तो खैर थोड़ा ईजी था, पर फिर भी उसमें भी हमने क्या है आपको बताया कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जो राइट हैंड साइड से बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो उस केस में आपने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने लग जाना है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से देखो ये चीज़ बनानी बड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो पढ़ाई करते रहिए स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।